अब नहीं आ रही है ना। ओए गई आवाज के। अच्छा सर मैं गया हुआ था कहीं पे। 3 दिन से तू गया हुआ था। 72 आवर्स तू नहीं घर पे सर, नहीं था। 72 आवर्स तू घर पे नहीं था। संडे क्लास नहीं थी, मंडे क्लास नहीं थी, ट्यूसडे फिर क्लास नहीं थी, आज वेनेसडे तो हम लोग मिल रहे हैं। सैटरडे के MWF, फ्राइडे के बाद अब क्लास हो रही है ना अकाउंट्स की, है ना। उसके बाद भी तुम लोग काम नहीं करते। आओ चलो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, मैं समझाता हूँ, उसके बाद आप लोग करोगे। देखो क्या लिखा हुआ है। पास्ट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है बच्चों। जैसे कि मैंने बोला था, ये वाला टॉपिक तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। देखो, ए और बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। आप सैटरडे उस वाली क्लास में नहीं थे, फ्राइडे वाली में थे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2024। पहला क्वेश्चन मेरा बच्चों से। बच्चों ये वाली जो कैपिटल गिवन है ऋषभ, बेटा कोई नहीं बोलेगा ओपनिंग कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग है, कैसे पता चला? कब लगा 31 का? कौन सी ओपनिंग है क्लोजिंग है? कौन सी है? कौन सी है? कौन सी क्लोजिंग है? ये क्लोजिंग क्लोजिंग है बेटा। बैलेंस शीट के अंदर हमेशा कौन सी कैपिटल्स लिखी होती है? क्लोजिंग कैपिटल्स। तो दिस इज व्हाट क्लोजिंग कैपिटल्स हमें गिवन है। सीसी बोले तो क्लोजिंग कैपिटल्स, ठीक है। प्रॉफिट 3 लाख का था फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो प्रॉफिट कितने का था? 3 लाख रुपीज का, डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाइन IOC। डिवाइडेड 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था विदाउट अलाइन IOC। IOC दिए बिना पार्टनर्स को मुझे IOC पे करना था, लेकिन मैंने IOC पे करे बिना क्या कर दिया? प्रॉफिट्स को बांट दिया। IOC कितना पे करना है? 12%। IOC कौन सी कैपिटल पे पे करना पड़ता है? नहीं। लेकिन यहाँ पे कौन सी कैपिटल गिवन है? तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्या निकालनी पड़ेगी सबसे पहले? ओपनिंग कैपिटल। क्या मैं ये कॉन्सेप्ट सिखा सका हूँ आप चुको? यस। अब आपको देखना पड़ेगा कैपिटल फिक्स है के फ्लक्चुएटिंग। जब कुछ नहीं बोल रखा तो कैपिटल कौन सी होती है? हाँ करेश है, क्या नहीं है? अच्छा रुक जा। तो यहां पर अगर हम देखें, तो क्या लिखा हुआ है? 15-12% IOC नहीं दिया था और सैलरी भी नहीं दी थी। एक हो कितनी? 10,000 पर मंथ, तो साल की कितनी हो गई? 1,20,000। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू, ए कितने पैसे निकाल रहा था? 1 लाख रुपए। बी कितने निकाल रहा था? 2 लाख रुपए। तो बच्चों ये क्या क्या गिवन हो गए? इनकी ड्राइंग्स गिवन हो गए। तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल्स है, आपके पास ड्राइंग्स है, आपके पास प्रॉफिट है, इससे क्या निकालो? रिवर्स कैलकुलेशन करके सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, जिससे पता चलेगा कि आपको कितना IOC देना है। निकालो जल्दी से, निकालो जल्दी से बच्चों, निकालो जल्दी से। क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ड्राइंग्स को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे प्लस और क्या कर दोगे? और क्या कर दोगे? प्रॉफिट है, प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे। तो आप ध्यान से अगर यहां पर देखोगे तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल्स है। ध्यान से एक बार देख लो, फिर पूरा क्वेश्चन करोगे। आपके पास क्लोजिंग कैपिटल्स है कितनी? 6 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। प्रॉफिट्स ऑलरेडी आपने जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 3:2। तो बेटा प्रॉफिट्स को रिवर्स कैलकुलेशन करते टाइम क्या करोगे आप? क्लोजिंग से ओपनिंग के पास जा रहे हो। बच्चों क्लोजिंग से किसके पास जा रहे हो? ओपनिंग कैपिटल के पास। तो प्रॉफिट्स को क्या करना है ऋषभ? ऋषभ माइनस ही करेंगे ना, तो माइनस कर दो। 3 लाख को डिवाइड करा था मैंने 3:2 में। तो ए में से कितना माइनस करोगे? 1,80,000। बी में से कितना माइनस करोगे? 1,20,000। बेटा फिर ड्रॉइंग्स को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। दोनों की ड्रॉइंग्स की बने 1 लाख और 2 लाख रुपीज। तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई? 5,20,000 और 2,80,000। करो इतना, करो जल्दी से, करो जल्दी से, निकालो ओपनिंग कैपिटल, निकालो जल्दी। बच्चों समझे मेरी बात? सबकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी बच्चों, और फिर उसके बाद इसके ऊपर क्या लगा दोगे? 12-12%। 5,20,000 का क्या करोगे? 5,20,000 का क्या करोगे? 12%। और ऐसे 2.8 लाख का क्या करोगे? 12%। बताओ कितना आएगा? 5,20,000 का 12%। कितना आ जाएगा? 62,400। और 2,80,000 का
12% कितना आ जाएगा, 33,600। तो ये वाला आपको पार्टनर्स को आईओसी देना था, समझना बेटा। पार्टनर्स को जब आईओसी देती है तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होती है, क्रेडिट होती है बेटा। क्या होती है? क्रेडिट होती है। और फॉर्म क्या होती है? फॉर्म डेबिट होगी और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चों? क्रेडिट हो जाएगी। देखो आओ आओ बच्चों आओ, अब क्या बनाएंगे? एडजस्टमेंट टेबल। आओ मेरे साथ साथ बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। ओपनिंग कैपिटल तो निकालनी आती है आप लोगों को, क्या बनाएंगे? एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले क्या बनाएंगे? पर्टिकुलर्स, फिर लिखेंगे किसका अकाउंट, कितने पार्टनर्स थे, एबीसी कौन कौन था, एबी ए था, बी था और फॉर्म थी। ए का डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बी की डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, फॉर्म की कौन सी साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ध्यान से समझ लो पहले मेरे साथ ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ध्यान से मेरे साथ साथ बना लेना और चीजों को समझ लेना है। हाँ हाँ वही सर, आधा नंबर काट दूंगा मैं आपका, रुपीज से रुपीज, ठीक है। आप देखो ध्यान से बच्चों, देखो वर्ड, देखो क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर, प्लीज फोकस करो यार। बुक के मेथड से थोड़ा सा अलग सिखा रहा हूं। प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग आईओसी। प्रॉफिट दे चुके थे कि नहीं दिए था? वॉज डिवाइडेड मतलब दे चुके हैं, प्रॉफिट दे चुके हैं तो पहले प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। तो क्या लेना पड़ेगा? प्रॉफिट टेकन बैक, ठीक है। सबसे पहला क्या है? प्रॉफिट टेकन बैक, तो प्रॉफिट टेकन बैक कितने का प्रॉफिट था सर? 3 लाख का प्रॉफिट था, इन द रेशियो ऑफ 3:2। समझना, पार्टनर से उसका प्रॉफिट जब वापस खींच लेंगे तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम के ज्यादा? कम हो जाएगी तो क्या करेंगे, डेबिट के क्रेडिट, क्या करेंगे डेबिट। तो ए को कितने से डेबिट करा, 1.8 लाख रुपीज से, बी को कितने से डेबिट करा, 1.2 लाख रुपीज से, और पार्टनरशिप फर्म के पास कितने पैसे आ गए, 3 लाख रुपए। बच्चों किसी को कोई डाउट है? प्रॉफिट सबने वापस लिया तो कैपिटल्स क्या हो गए बच्चों, कम हो गए। अब क्या करेंगे, आईओसी दे देते हैं, आईओसी गिवन। कितना निकाला था ए का, 62,400। बी का कितना निकाला था, 33,600। दोनों का टोटल फॉर्म क्या हो जाएगी, डेबिट। अभी बताया फॉर्म क्या हो जाएगी, डेबिट। दोनों का टोटल 96,000, पक्का 96,000 है, ठीक है। तो फॉर्म क्या हो गई, 96,000। और क्या नहीं दिया था, ए को हमने सैलरी नहीं दी थी, है ना। देखो क्या लिखा हुआ था, प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड विदाउट अलाउइंग आईओसी, एंड ए को सैलरी भी नहीं दी थी, कितने की, 10,000 पर मंथ। अब ए को क्या दे देंगे, सैलरी दे देंगे, ठीक है। चलो ए को सैलरी देते हैं, तो सैलरी टू ए, और 10,000 पर मंथ है तो सैलरी कितनी होगी बच्चों, 1,20,000। ए को सैलरी देंगे भाई, ए को सैलरी देंगे तो कैपिटल डेबिट होगी, क्रेडिट। क्या बात, सैलरी मिल रही है क्या यार, क्या करेंगे मुना, सैलरी मिल रही है तो डेबिट के क्रेडिट, पार्टनर्स की सैलरी मतलब पार्टनर से कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। सही बोला यार, क्यों आएगी, क्रेडिट हो जाएगी। कितनी बच्चों, एक ही, 1,20,000 रुपए, और फॉर्म क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, कितनी, 1,20,000। और कुछ करना है क्या, और कुछ करना है प्रॉफिट आप, अभी तो निकालेंगे ना वो, अभी प्रॉफिट से पहले कुछ और खेलना है क्या सर? कुछ नहीं खेलना सर, आप सिर्फ क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे सर, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। तो ध्यान से देखो, फॉर्म का 3 लाख रुपए फॉर्म के पास थे, उसमें से 96,000 चलेगा, और कितने पैसे चले गए, 1,20,000 रुपए चले गए। तो फॉर्म के पास कितने पैसे बचे बच्चों, देखो फॉर्म के पास 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट आया था, माइनस में 96,000 के आईओसी दे दी, 1,20,000 रुपए की सैलरी दे दी, 84,000 रुपीज बचे। तो अब फॉर्म क्या करेगी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके सर, 84,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, 3:2, तो 3:2 में 82 और 84,000 को बांटोगे, तो फॉर्म तो क्या हो जाएगी, 84,000 रुपीज से डेबिट हो जाएगी।
और ये क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्म तो क्या हो जाएगी, निल, कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखोगे बच्चों, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर टोटल कितना, ओ सारे पहले प्रॉफिट तो बांट दो, तो पार्टनर्स को 84,000 का 3/5 करेंगे, 3/5 कितना आ जाएगा, 50,400। सी को क्रेडिट कर दिया कितने से, 50,400 से, और इसका कितना आ जाएगा, 84,000 में से 50,400 है, 21,600, वही तो तो बच्चों बच्चों। देखो ध्यान से देखो, लॉजिकली समझ लो, कुछ रटने वाली बात थोड़ी ना है, किस स्टेप के हिसाब से हम कर रहे हैं, हम चीजों को समझ रहे हैं। 84,000 में से माइनस कर देंगे 50,400, अबे 33,600, 33,600 आएगा। कुछ भी कैलकुलेशन तेरा, ये भी देख लेता हूँ, 33,600 बच्चों। यहां तक सबका डन है क्या, बोलो, क्वेश्चन हो गया खत्म, बस अब एंड में क्या करना है, बैलेंस करना है, क्वेश्चन हो गया अपना क्या खत्म। देखो अब एंड में करते हैं सर, यहाँ का टोटल कितना आया, 1.8 लाख, यहाँ का टोटल करना है, ये प्लस ये कितना हो गया, 62,400 प्लस 1,20,000 प्लस 50,400, 232,800, फिर यहाँ का टोटल कितना हो गया, 1.2 लाख, और यहाँ का टोटल कर लेंगे बच्चों, टोटल कर लो ना खुद खुद, 67,200। ठीक है, अब इन दोनों का क्या निकालोगे, डिफरेंस, और इसका भी क्या निकालोगे, डिफरेंस, तो 1,80,000 में से माइनस कर दिया 232,800, कितना आ गया, 52,800, और इसका कितना आ जाएगा, 1,20,000 में से माइनस कर दिया 67,200, ये भी कितना आ गया, 52,800। साइन कौन सी वाली साइड का, छोटी के बड़ी वाली, कौन सी, छोटी के बड़ी, संजना, छोटी साइड बड़ी साइड किसका साइन लगाएं, मतलब ये 52,800 है, इसको डेबिट करूं क्रेडिट करूं, और इसको साइन कौन सी साइड का आता है, बड़ी वाली साइड का, तो साइन कौन सी वाली बड़ी थी, क्रेडिट वाली, तो यहाँ पे क्रेडिट, लॉजिक भी तो समझाया था लास्ट क्लास में, भूल जाते हैं सर हम, और डेबिट में ये क्या था, डेबिट, तो अपने को पता चल गया किसको डेबिट करना है भैया, एंट्री क्या बनी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, कितना साइन कौन सी साइड का आएगा बच्चों, बड़ी वाली साइड का, 52,800, 52,800, और ये था आपका क्वेश्चन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है 6 मार्क का, मतलब वेटेज रखता है उतने मार्क्स, जिसमें आपको क्या निकालना है बच्चों, ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी है, और उसके बाद क्या बनानी है, पास एडजस्टमेंट बनानी है। क्या हुआ, अच्छा 1-0 का मैथरी में 52,80 है, ठीक है पक्का देख लो बच्चों, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पास एडजस्टमेंट का लेकिन आएगा ही सर, आएगा। हाँ जी सर लेकिन सॉल्यूशन जो दे रखा है इसका, उन्होंने तो हाँ, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रखा वापस, हमने ये 3 लाख रुपए इनको डिस्ट्रीब्यूट करा है, इन्होंने कर ही नहीं रखा, उन्होंने क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट लिया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट लिया, सीधा लॉस दे दिया, वो हाँ पता 3 लाख रुपए है, भी नहीं करे। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना मेरे मेथड से कर ले, बुक आगे चल के कभी प्रॉफिट लेगी कभी नहीं करेगी, तो क्वेश्चन के अंदर क्या दिखेगा आपको, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, हम एक ही मेथड फॉलो करेंगे, पहले अगर प्रॉफिट हमने बांट दिया तो मंगवाएंगे, कभी कभार वो बोलेगा नहीं कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा है हमने, तो हम वापस मंगवाएंगे नहीं। अभी यहाँ पर क्या था, प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड, मतलब हो चुका था इसलिए वापस मंगवाया, उसके बाद फिर क्या करा, सारी चीजें कनेक्ट करी, और फिर एंड में क्या बांटा, बचा हुआ प्रॉफिट बांटा। अभिषेक थोड़ा सा समझ ले, बाद में मैं समझा दूंगा, इतना समझ में आया थोड़ा सा समझ ले इसलिए बुलाया था, बाकी फिर बाद में तो कर ही लेगा। टारगेट अचीव करा जो बोला था, नहीं नहीं करा, मेरे को पता है। ठीक है बच्चों, डन, चलो पक्का, ठीक है सर, चलो सर, अभी आपका आ गया क्वेश्चन, एक और, अब देखो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बाद बच्चों करोगे आप लोग, प्लीज बुक को बंद कर दो, बुक को इमीडिएटली क्या कर दो, बंद कर दो, अपने को सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो बच्चों फ्रेश ही दिखेगा आपको एग्जाम। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2019
बैलेंस इन द कैपिटल आशा थी, निशा थी और दिशा थी, ठीक है। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स वर्क 1,20,000, 1,50,000, 1,20,000 और 90,000। बच्चों सबसे पहली बात मेरे को ये चीज बताओ, वेदर इट इज ओपनिंग कैपिटल और वेदर इट इज क्लोजिंग कैपिटल, कौन सी कैपिटल है बच्चों? कौन सी है, कौन सी है, सही बोल रहा है, कौन सी है, कौन सी है बच्चों? ओपनिंग, क्योंकि ये लड़का क्या है अपना लाइक। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स मतलब प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट करने के बाद, कैपिटल्स में प्रॉफिट को प्लस माइनस करने के बाद, ड्रॉइंग्स की करने के बाद जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, कितना है ये, तो ये कौन सी कैपिटल है बच्चों? ध्यान से, दिस इज क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स। नाउ सब्सिक्वेंटली बाद में क्या पता चला, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट IOC एंड IOD हैड बीन ओमिटेड, ओमिटेड मतलब देना भूल गए, IOC भी देना भूल गए, IOD लेना भूल गए, IOC देना भूल गई फॉर्म और IOD लेना भूल गई। बेटा IOD जब आएगा है वैष्णवी, IOD जब आएगा बेटा पार्टनरशिप फॉर्म के पास, तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या होगी, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट होगी और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू IOC, कितना मिलना था पार्टनर्स को, 10% पर एनम, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर टू बी चार्ज, वो भी कितनी थी, 10% पर एनम, वेरी गुड सर। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर कितनी, 50,000, 60,000 और दिशा की कितनी थी, 30,000। सबसे पहले कुछ नहीं करना, नको नथिंग डूइंग, सबसे पहले क्या निकालो, IOD निकालो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना जल्दी से बेटा, बुक्स सारे के सारे बंद करके रखो, IOD निकालो जल्दी से। हाँ ड्रॉइंग्स गिवन है आप लोगों की, द प्रॉफिट फॉर द, ये हाँ ड्रॉइंग्स गिवन है ना, ये ड्रॉइंग्स ये और IOD ये रहा, निकालो जल्दी से निकालो, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी IOD निकालो जल्दी। तेरे को नहीं आता होगा यार, तू डर मत मत कर, तू सुन ले बस, अभी मैं समझाऊंगा, बेचारा लिख रहा है, तेरे को IOD करवाया लेकिन तेरे को जो टारगेट जो था उसके हिसाब से तेरा आज IOD हो जाना चाहिए था, करा नहीं करा, IOD निकालो, दो होते थे ना एवरेज प्रॉफिट और वो सब, पता रुक जा बोल मत, बंद कर दे, आगे का कर, समझ गया तो क्वेश्चन कर, पूरा इजी है, कर लोगे तुम दोनों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो बच्चों, करना ही क्या है, 50,000 का 10%, 60,000 का 10%, 30,000 का 10% निकालो फिर, पांच हजार, 6,000, 3,000 तूने नहीं लिखी, 5,000, 6,000, 3,000, 5,000, 6,000, 3,000, 5,000, 6,000, 3,000, हाँ जी कितनी, क्यों इंटरेस्ट गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल सकता, 5,000, 6,000, 3,000 कितनी आई, 5,6,3 कितनी आई बेटा, 5,6,3 बेटा कितनी, 5,6,3, 5,6,3। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ तुम लोगों को, मेरा तो डर है नहीं, किसी का तो डर रख लो, क्या लिखा हुआ है IOD के आगे, 10%, और जब भी टाइम फैक्टर नहीं गिवन होता तो क्या लेना चाहिए, 6/12 सिखाया था ना IOD वाली क्लास के अंदर, नहीं करा ना सर, हम ऐसे ही है सर, क्या करना था, 50,000 इंटू 10% इंटू 6/12 सिखाया था ना पहली IOD की क्लास के अंदर, राहुल वाला क्वेश्चन दिया था, राहुल ने इतनी ड्राइंग करी, फिर राहुल ने उसके, अब मैं पर एनम नहीं लगा रहा 10% के आगे, तो आपको वो भी सिखाया था। सर हम तो गलती करेंगे, आपको जो करना है आप कर लो,
जी निकालिए ओपनिंग कैपिटल निकाले बच्चों, ओपनिंग कैपिटल बच्चों। और ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आई और डी निकालनी थी। आप क्या करना है, आपके पास क्लोजिंग कैपिटल्स भी है, ड्रॉइंग्स भी है, प्रॉफिट्स भी है। प्रॉफिट कितना था, द नेट प्रॉफिट फॉर 31st मार्च अमाउंट टू 1 लाख रुपए, जो कि बटा था किस रेशियो में, ड्यूरेशन टू इंस्टॉल और प्रॉफिट्स भी है। सेम हो गया, ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी, निकालो जल्दी से ओपनिंग कैपिटल। शाबाश, अब देख लो ना क्वेश्चन ने एक फील्ड में कितने निशान डाल दिए, तीन। आईओ डीपी निकालने को बोल दिया, ओपनिंग कैपिटल भी निकालने को बोला और पार्ट एडजस्टमेंट का भी क्वेश्चन आया। ये सीपीएससी का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। क्या बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेबिट क्रेडिट ही तो सेम ही तो है, उसमें है क्या? हो गया, कितना आया, यही आया है? निशा आशा दिशा है, हाँ 2200, 300 और 900। अब एक बात बता, यहाँ पे प्रॉफिट बांटा था कि नहीं बांटा था हमने पार्टनर्स के बीच में? हमने प्रॉफिट करना, कैसे बता? पता क्योंकि ओपनिंग कैपिटल निकाल देगा आईओडी आईओडी क्या लिखा हुआ है, द नेट प्रॉफिट फॉर देयर एंडेड अमाउंटिंग टू, कितना है अमाउंटिंग टू? तो ये थोड़ी ना मैंने बोला है कि मैंने बांट दिया। चल वैसे भी अगर तू उससे भी करेगा तो भी आंसर सही आएगा, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दो स्टेप क्या कर सकते हैं, बचा सकते। ये प्रॉफिट टेकन बैक वाला प्रॉफिट सिर्फ क्या हो सकता है, वो वाला स्टेप से बच सकता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोल रखा था ये प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड। इसने क्या बोला, द नेट प्रॉफिट फॉर 31st मार्च अमाउंटिंग टू, कितना था प्रॉफिट? हाँ कोई बात नहीं, तो भी आंसर तेरा सेम आया ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लॉजिक सारे के सारे क्लियर है ना, चाहे इसे पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो, आंसर क्या आएगा, सेम है, कोई नंबर नहीं कटते। निकाल लो बच्चों ओपनिंग कैपिटल तो निकाल लोगे आप लोग, मुझे पता सेफर साइड यही है, पहुंच है गए तो जल्दी दो। हाँ हाँ सेफर साइड तो यही है। निकाल ले जी ओपनिंग कैपिटल्स, निकाल कितनी आई, 1,60,000 कितने है, 1,60,000, 1,40,000 और 1 लाख, और 10% कितना हो जाएगा इनका, 16,000, 14,000 और 10,000। तेजसी ने कुछ गलत कर दिया है। प्राची निकला, मुना नहीं निकला, क्यों बेटा? देखना क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन थी, ड्राइंग्स भी गिवन थी, और प्रॉफिट्स क्या करना था, 1 लाख का 2:2:1 में माइनस करना था। 1 लाख का जो प्रॉफिट होता है वो किसमें था, 2:2:1, तो कितना हो जाता, 40 40 20, बस सेम टू सेम। अब जो आपने आईओसी बेटर देखो, अब यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन से सिर्फ क्या डिफरेंस है बच्चों, एक चीज में देखो, अभी तक क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, पीछे वाले क्वेश्चन में अगर आप नॉर्मल देखो लैंग्वेज के ऊपर जाओगे थोड़ा, अगर लैंग्वेज के साथ खेले, क्या लिखा हुआ था, प्रॉफिट ऑफ 3 लाख रुपीज वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब प्रॉफिट प्रॉफिट बांट चुके थे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, प्रॉफिट एंडिंग वॉज अमाउंटिंग टू 1 लाख, ये नहीं बोल रखा था कि डिवाइड कर दिया। तो एक स्टेप अगर आपको बचाना है तो आप बचा सकते हो कि प्रॉफिट टेकन बैक वाला, अगर आप वापस ले भी लोगे और फिर बांट दोगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब मेरे को क्या देना था, यहाँ पर आईओसी देना था, तो मैं वो वाले स्टेप को मान लो अवॉइड कर देता हूँ, प्रॉफिट लेने वाले का आईओसी देना था, तो इसको कितना देना था, ए को 16,000, निशा को कितना 14,000, दिशा को कितना 10,000, और बेटा फॉर्म का कितने का एक्सपेंस हो गया, 40,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनर्स की कैपिटल क्या होने वाली थी, डेबिट होने वाली थी, और फॉर्म के पास पैसे आ रहे थे आईओडी के, तो फॉर्म क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। बेटा अब कंपनी को लॉस कितने का हुआ, ध्यान से देखना, कंपनी के पास 40,000 का ये था एक लॉस, -7,000 रुपीज आए थे, तो कंपनी का लॉस अभी भी कितने का है, 33,000 रुपीज का। अब ये लॉस के पैसे किससे लेगी, पार्टनर्स, पार्टनर से लेगी,
तो पार्टनर्स को जब लॉस पे करना पड़ेगा, उनकी कैपिटल्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसको आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो 33,000 का लॉस किस रेशो में लेंगे पार्टनर से, 2:2:1। तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी बच्चों, लॉस की वजह से डेबिट होगी, क्या होगी बच्चों, डेबिट होगी बस। और फिर उसके बाद क्या निकाल लो, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, साइन कौन सी वाली साइड की आएगा, बड़े वाली साइड का। बड़ी वाली साइड कौन सी थी, क्रेडिट साइड, यहाँ पे बड़ी वाली साइड डेबिट साइड, यहाँ पे बड़ी वाली साइड कौन सी थी, क्रेडिट साइड। और आपकी जनरल एंट्री क्या होगी बच्चों, तैयार होगी, देख लो ध्यान से, किसी को डाउट है तो पूछ लो, 2 मिनट में आपका वेट कर रहा हूं, बना लो जल्दी से। अब ये पिछले वाले से अच्छा था क्योंकि इसके अंदर एक आईयूडी की कैलकुलेशन एक्स्ट्रा हो गई। अनन्या, भावी एंड चांदनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड थी, अनन्या और चांदनी को क्या मिलनी थी, सैलरी कितने की, मंथली सैलरी 1500। तो उसको ईयरली पे कन्वर्ट कर दोगे, 1500 मल्टीप्लाई बाय 12, 18,000 रुपए की दोनों को मिलनी थी, ईच बच्चों, ईच 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 ईच, ठीक है, अलग, उसको भी 18, उसको भी 18। और अगर सिर्फ मैं वर्ड हटा देता ईच, तो कितनी हो जाती दोनों की, 9, 9, ठीक है। तो ध्यान रखना आगे, भाभी वाज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 4,000 पर एनम, पूरे साल की 4,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 80,000 वाज डिवाइडेड, बांट चुके थे अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स। मतलब इनको भी सैलरी दी, इनको भी सैलरी नहीं दी, और प्रॉफिट क्या कर दिया, बांट दिया। देखो एग्जाम में तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन करा वो क्या था, मुश्किल था। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव ओमिशन इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, शो योर वर्किंग नोट्स, क्लियर। मतलब आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट बांट दे उसको वापस ले लो, इन दोनों को सैलरी, तीनों को क्या दे दो, सैलरी दे दो, और बाकी उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा उसको बांट देना, किस रेशियो में, किस रेशियो में बांट दोगे, 3:3:2 कर दो जल्दी से। बल्कि अभी जो क्वेश्चन करा वो मुश्किल था, एग्जाम का क्वेश्चन क्या निकला आपका, इजी निकला, जल्दी से बना दो। बच्चों ध्यान से देखो इसमें कैसे कर रखा है आपने, यहाँ पे अगर आप बनाओगे पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड और लास्ट में बन जाएगा फॉर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। बच्चों ध्यान से देखो ना, ध्यान से, आपने कितना परसेंट दे दिया पार्टनर्स को, 10%, देना कितना था, 8%, तो आपने 2% क्या कर दिया पार्टनर्स को, ज्यादा दे दिया, तो 2% पार्टनर से क्या कर लो, मंगवा लो, और जब पार्टनर से मंगवाओगे आईओसी 2%, तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट क्या हो जाएंगे, डेबिट, कम हो जाएगी उनकी कैपिटल्स। तो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और इसकी आईओसी थी 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, और उस पर क्या लगा दोगे, 2-2%, तो डेबिट कर दिया 6,000 से, डेबिट कर दिया 4,000 से, डेबिट कर दिया 2,000 रुपए से, और पार्टनरशिप फर्म के पास कितने क्रेडिट हो गया, 6, 10, 12। अब 12 को क्या कर दोगे दोबारा से, डेबिट, ताकि पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाए, 0। अब ये जो 12,000 रुपए का ये जो है, क्या था ये, प्रॉफिट के लॉस, प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है ना, पार्टनरशिप फर्म के पास आए थे ना 12,000 रुपए। अब ये 12,000, जो 12,000 का जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किस रेशो में, 5:3:2। तो 12,000 को आप बांटोगे 5:3:2, बच्चों कैसे बांटेंगे, एक्स को 12,000 का क्या करोगे, 5/10, वाई का क्या करोगे, 12,000 का 3/10, तो 12,000 का 5/10 कितना हो जाएगा, 6,000, दोबारा से 6,000 क्रेडिट, फिर क्या आ जाएगा, 3600, और फिर क्या आ जाएगा बच्चों, 2400। तो इसका तो क्या हो गया दोबारा से, नील बचा ये दोनों, कितने का हो गया, 400 का डिफरेंस, यहाँ पे भी कितने का, 400 का डिफरेंस। बड़ी वाली साइड कौन सी थी सर, यहाँ पे डेबिट वाली साइड थी, और यहाँ पे बड़ी वाली साइड क्रेडिट वाली साइड थी। बच्चों कैपिटल हमारी फिक्स थी, तो कौन सा अकाउंट ओपन करोगे, करंट अकाउंट। तो आप क्या बोलोगे, वाई इज करंट अकाउंट डेबिट टू जेड, करंट अकाउंट कितना, 400, 400, सिंपल। किसका डाउट है तो पूछ लो प्लीज, किसका डाउट है तो पूछो मेरे से।
मैंने कुछ नहीं करा, 2% के पैसे वापस मंगवा लिए। मैंने कहा तेरे को 8% देना था, 10% दे दिया, तो तू मेरे 2% क्या कर दे, वापस कर दे। सारे पार्टनर से वापस लिया, उनकी कैपिटल्स क्या होगी, डेबिट हो गई। फॉर्म के पास 12,000 रुपए आ गए। अब फॉर्म के पास ये जो 12,000 रुपए जो आए, किसमें बढ़ जाएंगे, पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे, किस रेशियो में, 5:3:2। तो पार्टनर्स को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, बस डिफरेंस आ जाएगा, आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, डन हो जाएगी। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। होमवर्क मार्क करो ध्यान से, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। 1 लाख और लाख आपने 9% दे दी थी इंस्टेड ऑफ 12%, 50 वाला क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब। होमवर्क जाएगा बहुत आराम से। पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपए 1 अप्रैल 2018, तो ओपनिंग कैपिटल है। पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही थी, एक को सैलरी दे देना और क्या दे देना, पार्टनर्स को आईओसी दे देना 10%, 3 लाख का प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स में विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर अबव। तो ना तो मैंने सैलरी पे करी, ना आईओसी पे करी, और प्रॉफिट को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। ऐसा क्वेश्चन करवा दिया बच्चों, किसमें जाएगा, होमवर्क। देखो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे वो नहीं कर रहा कि सर आपने हमारे ऊपर ही छोड़ दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये वाला अभी करेंगे हम, नाउ 52 अभी करेंगे। ठीक है, 53, 54 देखते हैं। देयर कैपिटल्स वर दिस पार्टनरशिप इंटरेस्ट प्रोवाइडेड। हाँ होमवर्क में डाल दो इसको, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023, 54 भी होमवर्क में जाएगा आपका। सिंपल देखो, मैं जो सिंपल वाले क्वेश्चन है ना, वो आपको किस में दे रहा हूँ, होमवर्क में, बाकी वाले मैं करवाऊंगा। तो अब हमारे पास बचे 1:52। चलो जी ट्राई करो जल्दी से, सीबीएसई 2010। ABCR partners 30,000, 20,000, 10,000 according to the partnership deed, they were entitled to interest on capital at 5% per annum। तो भैया आईओ से कितने हो जाएगी, 5%, 30,000 का 5% कितना, 1500, 20,000 का 5% कितना, 1000, और सी का 10,000 का 5% कितना, 1000 रुपए। तो जब मैं इनको आईओसी दूंगा तो इनकी आईओसी क्या हो जाएगी, पार्टनर्स को क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो आईओसी अगर मैं क्रेडिट कर दूं, अच्छा इसने दूसरी टेबल से बना रखा है, एडजस्टमेंट टेबल है ना, हाँ जो हम बनाते हैं, है? इसने ऐसी बना रखी है ना कुछ, तो तूने भी ऐसी बनाई है, तो वहां वैसे वाले नहीं बने डेबिट क्रेडिट वाले। फिर क्या लिखा हुआ, इन एडिशन टू बी इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। मतलब बी को सैलरी देनी थी 6,000 रुपीज, सी इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन, ध्यान से समझ लेना, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी। तो देखो ध्यान से, आईओसी कितना पे करना था, ए को पे करना था 30,000 का 5%, दैट इज कितना निकल के आया, 1500। बी को कितना पे करना था, 20,000 का 5%, जो भी इतना निकल के आया ₹1000, ठीक है सर। सी को कितना पे करना था, 10,000 का 5%, जो भी निकल के आया रुपीज कितना, 500, ये कितना हो गया, 2000, 3000, 3000। अब हमारा जो प्रॉफिट जो था वो कितना था, कमीशन देना था सी को 5%, सी को कमीशन देना था बच्चों, सी को कमीशन देना था बच्चों कितना, 5% का कमीशन देना था ऑन नेट प्रॉफिट, किसके ऊपर, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी, मतलब आईओसी को माइनस करने के बाद, लेकिन बट बिफोर सैलरी टू बी, मतलब बी की सैलरी को चार्ज नहीं करना। तो ध्यान से देखना, 30,000 रुपीज का जो प्रॉफिट था, उसमें से क्या माइनस कर दोगे, आईओसी माइनस कर दोगे, कितना रह जाएगा, 3,000 रुपीज, 27,000 रुपीज। अब बच्चों कंफ्यूजन है हमें, 5/105 करना है कि सर 5/ क्या करना है, 100 करना है, बिकॉज तुम लोग क्या सोच रहे हो, यहाँ पर ध्यान से क्या सोचते हो कि सर ये किसका केस आ गया, आफ्टर चार्जिंग, किसका केस आ गया, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जहां आप आफ्टर चार्जिंग देख ले, तो उस टाइम आप क्या सोचते हो, 5/ क्या करना है, 105, क्या करना है भैया, 5/100 के 5/105 क्या करना है। हाँ जी किसको डाउट है, ईशान क्या करा तूने, तूने क्या करा, आपको आपको 5/ हाँ 5/105। बच्चों देखो ध्यान से समझना मेरी बात, वो जो है आपका कौन था, मैनेजर था, ध्यान से समझना मेरी बात को, एक और चीज बताता, वो जो था आपका कौन था, मैनेजर,
और मैनेजर की कमीशन। बच्चों मैनेजर की कमीशन कौन से अकाउंट में जाती है, कौन से अकाउंट में जाती है? मैनेजर आपका कौन है? इंप्लॉई है। और इंप्लॉई की जो कमीशन होती है या इंप्लॉई की जो सैलरी होती है वो कौन से अकाउंट में जाती है बच्चों? पीएनएल अकाउंट में जाती है, ध्यान से सुनना मेरी बात। और एक जगह आ गया आपका सी। सी कौन है आपका? पार्टनर। पार्टनर की कमीशन और पार्टनर की सैलरी कौन से अकाउंट में जाती है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती है। किसमें जाती है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती है, ध्यान से समझना मेरी बात। तो इसकी वो जाती है पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर। तो बच्चों जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर अगर आपको मैनेजर की कमीशन का कॉन्सेप्ट गिवन होता है, किसकी कमीशन? मैनेजर की कमीशन। तो मैंने किसपे सिखाया था? मैनेजर कमीशन सिखाया था ना, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग। तो आप क्या कर रहे थे वहां पे? फाइव बिफोर में 5/100 कर लेते थे और आफ्टर में क्या करते थे? 5/105 या 10% है तो 10/100 या फिर 10/110। यहाँ पर आपको क्या करना है भैया? यहाँ पर आपको सीधा सीधा क्या कर दिया? 2700 रुपीज का आपने क्या कर दिया? चार्ज कर दिया 5% लगा के। 2700 का कितना कर दिया? 5% कर दिया। कितना आ जाएगा? 2700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 2700 आ जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पर कमीशन कितना गिवन है? सीज कमीशन कितनी निकाली? सीज कमीशन 1350। और तुमने कितनी निकाली? क्यों? उसका कितना 5% करना था ना? 27,500 अच्छा, दिया था। 27,000 का था ना 5%, सॉरी 10% नहीं था। 27,000 का 5% बच्चों कितना हो जाएगा? 10% करते तो 2700 और उसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1350। 5% था बच्चों, 5/100, 10% नहीं था। ठीक है, समझे? मैनेजर की कमीशन का जब खेल होगा तो क्या करोगे? 5/105। और यहाँ पे कौन था? पार्टनर था। दोनों की कमीशन में क्या है बच्चों? डिफरेंस है। यार रात को ठंडा पानी पी लिया था बहुत ज्यादा, तो ना ठंड लग गई, कोल्ड लग गया, कोल्ड आंखें भी नहीं खुल रही। इधर हाँ, लिखा होता सी मैनेजर है, मतलब पार्टनर भी है, मैनेजर भी है, था सी वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5%। सी क्या था? मैनेजर भी है, पार्टनर भी है, तब हाँ तक तो 5 रहे। यार, मैनेजर और पार्टनर एक साथ नहीं हो सकता ना, या तो वो पार्टनर होगा या तो वो क्या होगा? मैनेजर होगा, ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पर मैनेजर लिखा होता लॉजिकली वो क्या है, चीजें गलत हो जाएंगी। अगर यहाँ पे लिखा होता सी इज अ कमीशन, सी इज अ मैनेजर, जिसको क्या मिलेगी? कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो क्या करते हैं? 5/105 करते हैं नेट प्रॉफिट, क्योंकि दोनों का देखो रूल अलग है। मैनेजर की कमीशन किसमें चार्ज होती है? पीएनएल के अंदर। और पार्टनर्स की जो सैलरी और कमीशन है बच्चों किसमें जाएगी? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। नेट प्रॉफिट कितने का था? 30,000 रुपीज का, जो कि आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी एडजस्टमेंट। अब प्रॉफिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था? कैपिटल्स की रेशियो। कैपिटल की रेशियो क्या आ गई? 3:2:1। इसमें आपने 30,000 को बांट दिया। तो आप पहले क्या करोगे? प्रॉफिट्स टेकन बैक। क्या करोगे? प्रॉफिट्स टेकन बैक। तो पर्टिकुलर्स बना लोगे कौन? तो एक्स वाई जेड से, एक्स वाई जेड, और एक कौन थी अपनी? फॉर्म थी बच्चों। फिर इसका क्या कर दोगे? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। जाने क्लास है? कोई क्लास है? कौन सी? डेबिट क्रेडिट मैच, डेबिट क्रेडिट, समझ लो बस। एक सेकंड बस छोड़ रहा हूँ। 30,000 को आपने कितना का प्रॉफिट है? 30,000 भी था ना। 30,000 को आप वापस मंगवाओगे किस रेशियो में? 3:2:1 मंगवा लोगे वापस। उसके बाद आप क्या कर दोगे बच्चों? पता है ना, जब भी प्रॉफिट मंगवाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। और फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों? क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। कैलकुलेशन को देख लेना एक बार। फिर दूसरा अगर हम करते हैं तो भैया आईओसी दोगे तो 5% के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। और फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ पे डेबिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पे? डेबिट। फिर आप क्या दोगे? ए बी सी थे ना, एक्स वाई जेड थोड़ी ना था, ए बी सी। फिर आपको सी को क्या देनी थी? कमीशन देनी थी। तो बच्चों ए और बी में कुछ नहीं डालोगे, सी को कमीशन मिलेगी, तो सी तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। और कुछ देना था? सैलरी थी ना, सैलरी बी की सैलरी थी 5,000 पर मंथ। तो बी की सैलरी क्या दे दोगे? बी की सैलरी। तो बी को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। और बाकी सारी जगह क्या होगी? अपनी ब्लैंक होगी। अब एंड में जाके आप फॉर्म के साथ खेलोगे बच्चों। किसके साथ? फॉर्म के साथ। फॉर्म के अंदर क्या निकल के आएगी? बैलेंसिंग फिगर। अब वो आप देख लेना कि प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। अगर लॉस होगा तो पार्टनरशिप कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और प्रॉफिट होगा तो पार्टनरशिप कैपिटल क्या कर दोगे ना? क्रेडिट कर देना। एक बार घर से ट्राई करके लाना, फिर वरना नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको प्रॉपरली लिख के क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो।